राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई है। आज करीब 12 बजे वह संसद पहुंचे। यहां विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। राहुल गांधी के संसद पहुंचने के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन के बीच नारे लगाए। संसद पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद भवन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वे लोकसभा की कार्रवाई में शामिल हुए। बीजेपी मिशन 2024 को फतह करने की तैयारी में पूरे दमखम के साथ जुट गई है। मोदी सरकार के कामकाज और नीतियों को गांव-गांव और घर घर पहुंचाने की रणनीति बनाई गई है। बीजेपी समर्थित जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, प्रधान, बीडीसी सदस्य, ब्लॉक प्रमुखों को चुनावी ट्रेनिंग दी जाएगी। पीएम मोदी ने आज हरियाणा के सूरजकुंड में सोमवार से शुरू हो रहे जिला पंचायत राज परिषद कार्यक्रम का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस तरह देश की सत्ता में हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ग्रामीण इलाके के मतदाताओं को साधने के लिए चुनावी टिप्स देगी। लोकसभा चुनाव 2024 में अभी 9-10 महीने का समय बचा, लेकिन संभावित प्रत्याशियों ने अभी से अपनी तैयारी तेज कर दी है। पिछली बार की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में फिल्मी सितारे लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे, इसका इशारा अभी से मिलने लगा है। इनमें भोजपुरी फिल्मों के एक्टर भी शामिल हैं। यहाँ पर बता दें कि भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ वर्तमान में लोकसभा सांसद है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तीनों को ही फिर से टिकट देगी। अब इनमें एक और सितारा एक बार फिर शामिल होने वाला है। उनका नाम है पवन सिंह। पाकिस्तान में रविवार को शहजाबाद और नवादाबाद के बीच स्थित सहारा रेलवे स्टेशन के पास रावलपिंडी जाने वाली हजारा एक्सप्रेस के 8 डब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में अब तक मरने वालों की संख्या 25 हो गई है, जबकि 80 से ज़्यादा लोग घायल हैं। पाकिस्तान मीडिया की ओर से बताया गया है कि मौके पर राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को सलाह दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को अपने कार्यकाल का जो भी समय बचा है उसमें विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर लोकतंत्र को खत्म करने के बजाय वास्तविक शासन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने कहा कि हमें खुशी है कि स्पीकर ने आज फैसला लिया, लोकसभा में भाग ले सकते हैं।